Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain chapter 8, chapter named Mathematical Induction of class 11th Mathematics. So let's start the video. First, in this chapter we will discuss that what is a statement in the point of view in mathematics. Clear? So statements means statements which can be judged to be true or false is called a statement. Means स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में वो कहलाएगा जिसे आप ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी में जस्टिफाई कर सकें कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है. तो वो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होंगे वो आपका मैथ के फॉर्म में स्टेटमेंट के फॉर्म में यूज़ होगा. जैसे आप कह दीजिए कि मोहन अच्छा है, ठीक है, तो ये कोई एक परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हो सकता है आपके हिसाब से वो मोहन अच्छा हो, सकता है किसी और के हिसाब से ख़राब हो. आपके साथ दोस्ती होगी तो अच्छा हो सकता है, आपके साथ लड़ाई होगी तो अच्छा नहीं हो सकता है. तो स्टेटमेंट का मतलब हो गया मैथमेटिक्स के सेंस से कि एक ऐसा टर्म, एक ऐसी कंडीशन जो हर कंडीशन में हमेशा या तो वो ट्रू हो या तो फॉल्स हो. दो ऐसा नहीं कि कभी ट्रू कभी फॉल्स हो, ऐसा नहीं. हर नंबर के साथ, हर एलिमेंट के साथ, हर वेरिएबल के साथ वो स्टेटमेंट अगर से ट्रू है या फॉल्स है, दो में से कोई एक, या तो कन्फर्म हो कि ये ट्रू है या तो कन्फर्म हो कि ये फॉल्स है, तो वो स्टेटमेंट कहलाएगा. जैसे आइए इस पे देखते हैं. ए स्टेटमेंट विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट. वी जनरली डिनोट बाई पी एन, ए स्टेटमेंट होल्डिंग फॉर एन इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. हो सकता है आपकी बुक में पी एन से ना करके टी एन से रिप्रेजेंट किया जाए, इसको टी एन से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है. हो सकता है कहीं एस एन से इंडिकेट किया जाए, तो वो नोटेशन पे मत जाइएगा. नॉर्मली जहाँ पे भी स्टेटमेंट होगा वो आपका पी एन, टी एन, एस एन, के एन कुछ भी हो सकता है, बस नंबर ऑफ टर्म एन के फॉर्म में होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज हियर फर्स्ट एग्जाम्पल, एज ए स्टेटमेंट पी एन इज इक्वल टू such that 2 power n is divisible by 2 for all n belonging to natural number. Means 2 power n hamesha 2 se divide hoga for every natural number. Ab n ki value kuch bhi ho, ye jo relation aapko solve karke milega wo 2 se divide ho jayega. So it is clearly, it is true for all natural numbers. So it is n statement. Now second, it is an statement. Now second, pn is equal to 10n plus 3 is a prime. अब आपको ये बताना है कि पी एन एज ए प्राइम है, तो अगर इसमें हम n की कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दिया जाए और देखा जाए कि ये प्राइम है कि नहीं, 33 ये तो आपका को प्राइम वो सॉरी कंपोजिट नंबर ना, डिवाइजेबल बाय 3, ये डिवाइजेबल बाय 11 विच इज़ नॉट प्राइम. सो द गिवन स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड फॉर ऑल नेचुरल नंबर. देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है. तो ये कन्फर्म हो कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दो में से कोई एक कैटेगरी 100% मिल रही हो, तो वो आपका रिलेशन क्या कहलाएगा, एज ए स्टेटमेंट कहलाएगा. क्लियर? अच्छा, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब हो गया एक वो मेथड जिसमें हम किसी भी रिलेशन को चेक कर सकें कि वो रिलेशन फॉर एवरी नेचुरल नंबर, फॉर एवरी नंबर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर से वो सेटिस्फाई करेगा तो ये कहा जाएगा वो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए से वो होल्ड हो गया, सेटिस्फाई हो गया. सपोज वी हैव ए पी एन बी ए स्टेटमेंट सच दैट पी एन कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए, कोई भी रिलेशन दिया जाए, और वो रिलेशन ऐसा हो कि वो एन इज इक्वल टू वन पे ट्रू हो. मीन्स जो भी रिलेशन दिया गया, जो भी फॉर्मूला दिया गया, वो एन इज इक्वल टू वन पे ट्रू हो. और सेकेंड कंडीशन वो पी एम एन इज इक्वल टू एम प्लस वन पर भी ट्रू हो जबकि पी एन पे ट्रू होता हो. मीन्स तीन कंडीशन होती है, पहला तो n इज इक्वल टू वन पे होना चाहिए, दूसरा किसी एक नंबर पे होना चाहिए, और तीसरा उस नंबर के जस्ट नेक्स्ट नंबर पे होना चाहिए. अगर पी एम पे ट्रू है तो पी एम प्लस वन पे भी ट्रू होना चाहिए. तो इस तरीके का अगर कोई रिलेशन होगा तो हम ये कहेंगे कि हाँ वो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग सही है रिलेशन, या वो आपका एज ए आइडेंटिटी या एज ए फॉर्मूला उसका यूज हमेशा किया जा सकता है. क्लियर? अच्छा, इसी टॉपिक को हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है. तो सीधी सी बात, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है कि अगर से कोई स्टेटमेंट n इज इक्वल टू वन पे सेटिस्फाई करता है और वो पी एम पर सेटिस्फाई होने के बाद पी एम प्लस वन पर भी सेटिस्फाई हो जाए,
तब तो ये कहा जाएगा आपका वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों कंडीशन पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो प्रिंसिपल मेडिकल इंजेक्शन के अकॉर्डिंग हमेशा एज ए आइडेंटिटी और एज ए फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है, वो सारे नंबरों पर फिर सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर ये कोई मतलब नहीं है कि आप सिर्फ वन पे हो रहा है, टू पे हो रहा है, थ्री पे हो रहा है, जितने नंबर होंगे सारे नंबर के लिए वो सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या इसमें कहा जा रहा है। लुक हियर, एग्जाम्पल नंबर वन, समिशन ऑफ सीरीज एज एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू समिशन, प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन 1 + 3 + 5 + 2 - 2n - 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मीन्स सम ऑफ ऑड नंबर्स का सम एन क्यूब होता है ये शो कर, एन स्क्वायर होता है ये शो करना है। तो वैसे तो ये आपको मालूम है कि ये फॉर्मूला होता है, इसको हम एपी के ज़रिए से एपी का फॉर्मूला अप्लाई करके भी ला सकते थे, बट पीएमआई के थ्रू मीन्स प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू अगर इसको सॉल्व किया जाए तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहला काम ये रिलेशन आपका एन इज इक्वल टू वन पे सेटिस्फाई होगा, मतलब एक स्टेप लेफ्ट में ले और राइट साइड में एन की वैल्यू वन पुट कर दे। अगर से सेम रिजल्ट मिल जाता तो ठीक, हम ये कहेंगे कि गिवन इक्वेशन एज ए ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एन इज इक्वल टू के पे सपोज कर लेंगे कि ट्रू है और एन इज इक्वल टू के प्लस वन पे भी शो कर देंगे कि ये ट्रू हो रहा है, तो बस पी एम आई के अकॉर्डिंग वो प्रूफ हो जाएगा। तो ये बेसिक स्टेप जो है फॉर एन इज इक्वल टू वन। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक स्टेप लिया क्योंकि सिर्फ एन इज इक्वल टू वन था, और राइट साइड में एन की वैल्यू वन पुट कर दिया तो वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। सो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर सेम, सो वी कैन से दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वन। क्लियर? नाउ अब ये बेसिक स्टेप हो गया तो सब में करना होता है। इंडक्शन स्टेप क्या होता है, अज्यूम दैट टी के इज ट्रू, दैट इज मीन्स ये रिलेशन सपोज एन इज इक्वल टू के पे ट्रू है। इफ द इक्वेशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के मीन्स 1 + 3 + 5 - 2 - 2 - k - 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें के फॉर्म में रख दी जाएगी, मीन्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एन एज ए के। हो गया, ये स्टेटमेंट आपने मान लिया कि एन इज इक्वल टू के पे ये ट्रू है। अब हमको ये शो करना है कि ये रिलेशन आपका के प्लस वन पे भी ट्रू है। तो अगर यहाँ पर एक स्टेप और ले लिया जाए तो ये एन स्टेप का सम है, तो ये कितना हो जाएगा, के प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे शो करना है कि अगर से इसमें एक स्टेप और ले लिया जाए तो यहाँ पे के प्लस वन आ जाएगा। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपने सिर्फ 4 स्टेप लिया तो 4 स्क्वायर आना चाहिए, 5 स्टेप लिया तो 5 स्क्वायर होना चाहिए, 6 स्टेप लिया तो 6 स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे अगर हमने के स्टेप लिया तो के स्क्वायर आना चाहिए, और के प्लस वन स्टेप लिया तो के प्लस वन स्क्वायर होना चाहिए। बाय द वे अब आते हैं इसके प्रूफ पे, टू ऑब्टेन टी के प्लस वन एड के प्लस वन टर्म, तो ये के टर्म है, अगर k प्लस वन टर्म को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट साइड में k प्लस वन करना पड़ेगा। देखिए n की जगह पे अगर आपने रख दिया एट n इज इक्वल टू k प्लस वन, तो यहाँ पे जब आप k प्लस वन रखिएगा तो ये हो जाएगा इन ब्रैकेट 2k + 1 - 1, ब्रैकेट को ब्रेक करिएगा कितना हो जाएगा 2k + 2 - 1, तो ये हो गया 2k + 1। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसे शॉर्टकट में किया गया 2k + 1, आप ये सपोज कर लीजिएगा n की जगह पे क्या रखा गया k प्लस वन, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2k + 1 रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा तो अब देखिए 2k + 1 आपने लेफ्ट साइड में रखा तो जाहिर सी बात इतना ही आपको राइट साइड में रखना है, और इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपको k प्लस वन होल स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर? देखिए ये हो रहा है ना, के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम k प्लस वन होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे बना, जब हम राइट साइड में 2k + 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, के स्क्वायर ऑलरेडी था और 2k + 1 आपने ऐड कर दिया, तो ये पूरा स्टेट रिलेशन मिलके आपका ये तीनों स्टेप मिलके के प्लस वन होल स्क्वायर हो गया। तो यही तो कहा जा रहा था ना कि अगर इसमें n इज इक्वल टू के रखने पे के स्क्वायर आ रहा है तो n इज इक्वल टू के प्लस वन रखने पे कितना आना चाहिए, के प्लस वन होल स्क्वायर आना चाहिए। क्लियर? बस हो गया कि अगर से कोई भी रिलेशन आपका कोई भी स्टेटमेंट n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू के, n इज इक्वल टू के प्लस वन तीनों पे सेटिस्फाई हो रहा है तो वो रिलेशन आपका फॉर एवरी नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? ये बस यही इतना काम हम लोगों को पीएमआई के अकॉर्डिंग करना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आइए एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, बात वही है, चाहे एक्सरसाइज से सॉल्व करें या एग्जाम्पल से देख लें, एक्सरसाइज का सॉल्व कर देंगे आपका काम भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा, एज एग्जाम्पल भी आप इसको ले सकते हैं। ये 1 + 2 + 3 + n = 1/2 n + 1, ये वैसे तो डायरेक्ट ये फार्मूला है आपका कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n + 1/2 होता है, मीन्स अगर हम 1 से लेकर n तक के सारे नेचुरल नंबर को ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, n + 1/2 के इक्वल होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चन नंबर वन,
ओके लुक हियर, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1, 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस एन इज इक्वल टू 1/2 एन एन प्लस 1, हमको ये शो करना है। तो फर्स्ट बेसिक स्टेप क्या होते हैं, सोल्यूशन। लेट टी एन बी द स्टेटमेंट, लेट टी एन बी द स्टेटमेंट, ये तो क्वेश्चन मान लिया कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया वो एज ए टी एन है, ताकि हम टी एन के फॉर्म में उसको लिख सकें, स्टेटमेंट। क्लियर, अब आते हैं इसके प्रूफ करने पे। तो बेसिक स्टेप क्या होता है, बेसिक स्टेप इसमें क्या होगा, आपको एन की वैल्यू पुट करनी है 1, एट एन इज इक्वल टू वन, आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 आएगा, और राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 पुट कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड एज ए 1, इन राइट हैंड साइड 1/2 n एंड 1+1, तो ये हो गया आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 × 1 = 2, मीन्स ये भी 1 हो गए। सो स्टेटमेंट टी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, इट्स मीन स्टेटमेंट टी एन इज ट्रू एट n इज इक्वल टू 1। तो ये एक काम हो गया, ये तो आपका बेसिक स्टेप हो गया। अच्छा, अब इंडक्शन मेथड में क्या होगा, हम सपोज कर लेंगे कि ये रिलेशन आपका जो था, स्टेटमेंट जो था वो एट n इज इक्वल टू k ट्रू है। क्लियर, नाउ अप्लाई द इंडक्शन मेथड, इंडक्शन स्टेप। इन इंडक्शन स्टेटमेंट सपोज स्टेटमेंट टी एन इज ट्रू एट एन टेंस टू के, अब एन टेंस टू के मीन्स आपको रिलेशन मिल जाएगा 1 + 2 + 3, 2, एन की वैल्यू कहाँ तक रखनी है, के तक, और राइट साइड में क्या है 1/2 के इन ब्रैकेट के प्लस 1, इसको फर्स्ट रिलेशन मान लेते हैं ना, इसका हमको यूज़ करना है अभी, तो हम रिलेशन 1 के हिसाब से चल सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, नाउ एट एन टेंस टू के प्लस 1 पे हमको चेक करना है कि ये रिलेशन आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एट नाउ एट एन टेंस टू के प्लस 1, एन टेंस टू के प्लस 1, तो यहाँ पर के स्टेप तक थे तो हमने के ऐड किया, अब हमको क्या करना है, दोनों साइड के प्लस 1 ऐड कर देना है। तो देखिए इससे क्या होगा, बहुत ईजी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस के एंड के प्लस 1, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड मिला ना, राइट हैंड साइड में भी हमको के प्लस 1 ऐड करना होगा, 2 (in)  के प्लस 1, ये तो ऑलरेडी ये था, हमने के प्लस 1 दोनों साइड ऐड किया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं के प्लस 1। क्लियर, अच्छा अब ज़रा से एक बात जो आपको समझनी है वो देखिएगा, अगर से एंड के स्टेप तक ऐड किया तो हाफ के प्लस 1 मिला, और अगर के प्लस 1 स्टेप तक ऐड किया जाता तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, हाफ के प्लस 1, और यहाँ पे के प्लस 1 प्लस 1 आता, मतलब हाफ के प्लस 1 इन ब्रैकेट के प्लस 2 हो जाता। तो अगर हम इसको सॉल्व करके, ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करके इस फॉर्म का बना दें कि हाफ के प्लस 1 के प्लस 2 मिल जाए, तो हम कह देंगे स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ये कैसे बनेगा, देखिएगा के प्लस 1 आपका कॉमन है, सो टेक के प्लस 1 एज ए कॉमन। क्लियर, बचा क्या आपका के अपॉन 2 प्लस 1, अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 1/2 के प्लस 1 एंड इन ब्रैकेट के प्लस 2। के प्लस 2 कैसे आएगा, जब आप एलसीएम 2 लीजिएगा तो के प्लस 2/2 आएगा, ये 2 मैंने बाहर कर लिया है। सो एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि अगर के एन इज इक्वल टू के लिए ये रिलेशन है, तो एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए रिलेशन क्या होगा, हाफ के प्लस 1 के प्लस 2, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सो स्टेटमेंट टी एन इज ऑल्सो ट्रू एट एन टेंस टू के। क्लियर, अगर एन टेंस टू के लिए ट्रू है तो फॉर एवरी नेचुरल नंबर टी एन इज ट्रू, दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट टी एन
is true for all natural number. क्लियर? तो बस ये शो करना था. तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा. बहुत इजी क्वेश्चन है और कंफर्म है एक क्वेश्चन इससे मिलता है आता है और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आराम से प्रूफ हो जाएगा. इसमें ध्यान आपको सिर्फ इतना देना है कि इस क्वेश्चन को सबसे इजी क्वेश्चन को उठाइए. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे इजी है या फर्स्ट एग्जांपल आपका सबसे इजी है, तो सबसे इजी क्वेश्चन को उठाइए, उसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार में आपको लगे कि हाँ ये हम हर लाइन को, हर स्टेप को आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर ले जाएंगे, तो बस उसी एक क्वेश्चन से आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये पूरी एक्सरसाइज आपसे लग सकती है कि नहीं. और किसी भी स्टेप में कुछ भी मेथड चेंज नहीं होगा. एलसीएम, कॉमन, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म बनाना है. लेकिन पहले काम करना है कि पहले क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं. इसी तरीके का सेकंड क्वेश्चन है. ओके, नाउ इट इज़ योर सेकंड क्वेश्चन. 2+4+6+... इज इक्वल टू n+2. या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से कह सकता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर इज इक्वल टू n+2. देखिए फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, ये nth पोजीशन पे आ गया. तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n+1. तो ऐसे दे सकते हैं या तो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. दोनों तरह से बात को समझिएगा. तो हमको क्या करना है, पहले बेसिक स्टेप को सॉल्व करना है n इज इक्वल टू 1 पे, उसके बाद n इज इक्वल टू k पे सपोज कर लेंगे ट्रू है, और n इज इक्वल टू k+1 पे शो कर देंगे कि ऐसा आता है. अच्छा, अगर इसमें n की जगह पे k+1 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये k+1 हो जाएगा, k+2 हो जाएगा ना. बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन लगाया था. नाउ बेसिक स्टेप में क्या होता है, एट n इज इक्वल टू 1 पे हमको शो करना है ना, एट n टेंस टू 1 कितना हो जाएगा. लेफ्ट साइड से तो सिर्फ 1 स्टेप लेना है, फर्स्ट स्टेप मीन्स एज ए 2, एंड राइट साइड में n की वैल्यू आपको 1 पुट कर देनी है, 1 इन ब्रैकेट 1+1. तो ये भी 2 है और ये भी आपको 2 मिल गया. तो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट या गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इज ट्रू एट n टेंस टू 1. क्लियर? नाउ अब इंडक्शन स्टेप में क्या होगा, पहले तो हम सपोज करेंगे, सपोज एट n टेंस टू k इट इज ट्रू. अब इंडक्शन स्टेप में क्या किया जाए, क्या सपोज कर लिया जाए n टेंस टू k पर भी गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू. सो 2+4+6+2k इज इक्वल टू k+1, मीन्स n की जगह पे क्या रख दिया, k+1 रख दिया. अब हमको क्या करना है, नाउ एट n टेंस टू k+1 मीन्स क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में k+1 को ऐड कर देंगे. उसके बाद देखेंगे कि हमारा राइट हैंड का रिलेशन उसी तरीके का बन रहा है जैसे कि हमको मिलना चाहिए था k+1 पे. तो ये तो ऑलरेडी आपका 2+4+6.2k एंड नेक्स्ट स्टेप एज ए 2k+1 ऐसे ही हुआ ना. तो हमको राइट साइड पे भी 2k+1 ऐड करना होगा. सो k+1 एंड प्लस 2k+1 जो लेफ्ट में ऐड किया वो उतना ही है. ये लेफ्ट में ऐड किया, ये तो राइट में भी ऐड करना होगा 2k+1. अब देखिएगा k+1 एज ए कॉमन. सो ब्रैकेट में क्या बचा, k+2. यही तो बात हो रही थी ना कि यहाँ पे अगर n की जगह पे k+1 पुट कर दिया जाएगा तो ये k+1 हो जाएगा, ये k+2 हो जाएगा. ये उस फॉर्म में मिल गया. तो आप सीधा से कह सकते हैं देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट एज ए ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 ऑल्सो. सो इट इज ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर. क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन. तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है. मुश्किल का सेंस सिर्फ इतना कि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको कई ब्रैकेट का ध्यान देना होगा, एलसीएम वगैरह केयरफुली करिएगा तो सॉल्व हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द एग्जांपल. इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू एवरीवन. गुड बाय.